चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर, उसमें आपको 3 लाइन से ट्राइंगल प्लॉट करना होगा। तो पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 लाइन आपको दी हुई है, 2x-3y-6=0, 3x-y+3=0 सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन 3x+4y-12=0। अब पहली लाइन आप जब आप प्लॉट करोगे तो आप वाई को जब आप 0 डालते हो तो एक्स की वैल्यू आती है 3। तो पहली लाइन पास करती है 3,0 से, 3,0 से पास कर रही है ये, और जब आप एक्स को 0 डालते हो तो वाई हो जाता है -2। तो ये पहली लाइन की इक्वेशन है, पासिंग थ्रू 3,0 एंड 0,-2। दिस इज लाइन वन, ये पहली लाइन है इक्वेशन लाइन वन की। लाइन टू जब आप प्लॉट करोगे तो जब आप वाई को 0 डालोगे तो एक्स आएगा -1, तो -1,0 है ये पॉइंट। फिर आप एक्स को 0 डालोगे तो वाई की वैल्यू 3 आएगी, -1,0 और 0,3 से, तो ये लाइन टू है। अब लाइन थ्री में जब आप वाई को 0 डालते हो तो एक्स आता है 4, तो 4,0 से पास कर रही है ये, और एक्स को 0 डाल के वाई आता है 3, तो 0,3 और 4,0 से पास कर रही है। तो यहां पे ये ट्राइंगल जो बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, आपको ये देखना है, ये ट्राइंगल ऐसा है। अब आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, अल्फा 0 और 0 बीटा, जो कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है और एक वाई एक्सिस पे, और ये भी दिया हुआ है कि दे आर इनसाइड द ट्रायंगल। तो आप अज्यूम करो ये ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, एक साइड यहां पे कट कर रही है -1,0 पे और दूसरी कट कर रही है 3,0 पे। तो इसके अगर आप इसके आगे चले जाओगे तो ट्रायंगल के बाहर आ जाओगे आप, यानी ये जो 4,0 पॉइंट है इस ट्रायंगल के बाहर आ जाता है। तो यानी एक्स की लिमिट कहां से कहां तक होनी चाहिए, अल्फा की लिमिट होनी चाहिए -1 से 3। तो ये जो अल्फा है ये लाई करेगा बिटवीन -1 टू 3, तो अल्फा इज गोइंग टू लाई बिटवीन -1 टू 3, ठीक है। और वाई एक्सिस पे आप पॉइंट देखो, जो वाई 0,β है, तो वो कहां से कहां तक लाई करेगा, -2 से लेके 3 तक। तो बीटा आप लिख सकते हो विल लाई बिटवीन -2 टू 3। तो आपका ये जो भी ऑप्शन ने दिया होगा, मतलब अल्फा बिलोंग्स टू द इंटरवल -1 टू 3, इसको ऐसे दिया होगा ऑप्शन में, और बीटा बिलोंग्स टू द इंटरवल -2,3, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें ट्रेसिंग में टाइम लगेगा, ट्राइंगल आपको प्लॉट करना पड़ेगा और फिर एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेना होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से किस रेंज के अंदर ये पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल रहता है, और वाई में कहां से कहां तक ये इनसाइड द ट्राइंगल रहता है।